बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। ऑल फॉर यू कुकिंग एंड व्लॉग के किचन में खुश आमदीद। आज मैं बना रही हूँ अरबी गोश्त, बहुत आसान, बहुत मज़ेदार। वीडियो को एंड तक देखना है और पसंद आने की सूरत में प्लीज़ लाइक का बटन दबा देना है आपने, और शेयर भी करना है अगर वीडियो ज़्यादा अच्छी लगे तो। नए आने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें, तो ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाए। मटन लिया है मैंने हाफ़ के जी, आप बीफ भी ले सकते हैं और चिकन में भी बन सकती है। हाफ़ के जी मैंने मटन लिया है। इसमें मैं मसाले जो शामिल करूँगी फ़िलहाल वो है आधा चाय के चम्मच ज़ीरा, आधी चाय के चम्मच हल्दी, हसबे ज़रूरत नमक, मैंने डेढ़ चाय का चम्मच लिया है, आधी एक चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये भी आप अपनी मर्ज़ी से ले लें, और कुटी हुई लाल मिर्च मैंने आधी चम्मच ली है चाय की, आप ये भी अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। बच्चे मेरे थोड़े से कम खाते हैं तो इस वजह से। अच्छा, आधी गट्ठी मैंने लहसुन की छील ली है, दो दरमियाने साइज़ के प्याज बारीक काट लिए हैं मैंने, और दो दरमियाने साइज़ के टमाटर भी बारीक काट लिए हैं, तो ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और साथ ही मैं इसमें तकरीबन एक गिलास पानी डाल रही हूँ और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को मैं बंद कर रही हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, तकरीबन 10 मिनट के बाद कुकर को खोला है, गोश्त हमारा गल चुका है, पानी भी खुश्क हो गया है। इसमें मैं डालूँगी हसबे ज़रूरत घी, तकरीबन मैं 100 ग्राम इसमें घी डाल रही हूँ, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल रही हूँ, और क्योंकि गोश्त होता है, गोश्त में चिकनाई होती है और घी मैं वैसे ही कम इस्तेमाल करती हूँ, तो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। आधा कप के करीब आप इसमें घी डाल सकते हैं, मैंने भी आधा कप के करीब घी डाला है इसमें, और मैं इसकी करती हूँ अच्छे तरीके से ज़रा भुनाई। तो घी अलग होने लगा है, पानी इसका खुश्क हो चुका है, तो अब यहाँ पर मैं इसमें 100 ग्राम दही शामिल कर रही हूँ। ठीक है जी, ये मैं साफ करके इसमें डाल दूँगी और दही का पानी भी सुखा लेते हैं खुश करके। अच्छा जी, घी दोबारा से अलग होने लगा है इसका, दही का पानी भी खुश्क हो रहा है, अभी मुकम्मल तौर पे भुनाई नहीं हुई लेकिन इसकी। और यहाँ पर अरवियाँ जो हैं, ये मैंने हाफ़ के जी अरवियाँ ली थी, इसको मैंने छील के काट के नमक लगा के रखा हुआ था, उसके बाद मैंने इसे वॉश कर लिया है अच्छे तरीके से, तो ये अरवियाँ भी हम साथ ही डाल देते हैं ताकि अरवियों की भी भुनाई हो जाए साथ ही अच्छे से। अरवियाँ भी भुन जाएंगी और गोश्त की भी भुनाई हो जाएगी, तो तमाम अरवियाँ जो मैं इसमें डाल देती हूँ, थोड़ी चिकनी होती हैं, हाथों में कम कम आ रही हैं, तो इसलिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, मुझे तो बहुत पसंद है अरबी गोश्त स्पेशली। तो आपको कैसा लगता है आपने कमेंट करके बताना है, और प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच किया करें ताकि मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाए। सिर्फ वीडियो को खोल के कमेंट ना किया करें, क्योंकि मैं सबकी वीडियो पूरी वॉच करती हूँ, फुल वॉच करने के बाद मैं कमेंट करती हूँ और रेगुलर कमेंट करती हूँ, रेगुलर वॉच करती हूँ, ये आप सबको पता है कि मेरे कमेंट्स आते हैं आप सबके वीडियोज़ पर, और आप लोग भी किया करें प्लीज़। हम लोग एक दूसरे की मदद करेंगे तो हम कामयाब होंगे, और एक दूसरे के बगैर कुछ भी नहीं है। तो अच्छे से भुनाई करते हैं अभी इसकी 5 मिनट। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सी भुनाई हो चुकी है, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पानी, और पानी आपने इतना शामिल करना है कि अरबी जो है वो गल जाए, और आपके पास जितनी बचे वो आपको चाहिए हो उतनी ग्रेवी, इतना शोरबा, तो मुझे जितना चाहिए मैंने उतना पानी लगाया है, तकरीबन 2.5 गिलास पानी मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि अरबी अभी गलेगी और फिर हमारे पास शोरबा जो बचना है वो मुझे इतना ही चाहिए। ठीक है जी, आप अपनी मर्ज़ी से पानी मिला सकते हैं इसमें। अच्छा, अब मैं इसमें जो चीज़ें शामिल करूँगी उनमें है जी, एक चाय के चम्मच कुटा हुआ धनिया और आधी चाय के चम्मच ज़ीरा पाउडर, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मैंने इसमें शामिल कर दी, और इसको अच्छा सा चम्मच चला देते हैं हम, और अभी इसको बंद कर देती हूँ मैं प्रेशर कुकर को 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि अरबी अच्छे से गल जाए, और उसके बाद मैं क्या चीज़ें शामिल करूँगी साथ साथ रहिएगा, आपको बताऊँगी जी। तकरीबन 3 मिनट मैंने कुकर चलाया और अरबी जो है माशाल्लाह हमारी गल चुकी बिल्कुल अच्छे तरीके से, ये देखें बिल्कुल सही हमारी अरबी गल चुकी है। अब मैं इसमें डालूँगी एक चाय के चम्मच कसूरी मेथी और काली मिर्च आधी चाय की चम्मच से थोड़ी सी कम, या आप अपनी मर्ज़ी से डाल लें, बहुत अच्छा टेस्ट, बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर आता है। और ये है गरम मसाला पिसा हुआ 1 चाय के चम्मच के करीब, और 3 अदद हरी मिर्चें चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं छिड़क के इस पर मैं 2 मिनट का दम लगा के और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो नहीं जी, तैयार है बहुत ही आसान सी सादा सी रेसिपी अरबी गोश्त, जो कि बहुत ही लजीज है, बहुत फेवरेट है मेरा। तो आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ज़्यादा अच्छी लगने की सूरत में शेयर भी कर दीजिएगा, और वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखा करें, और एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैसी लगी आपको कमेंट करके लाजमी बताना है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।